हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी ना 2 बज रहा है और अभी जस्ट हम मतलब कि समझो तो नाश्ता करके उठे हैं और नाश्ते में क्या खाए हैं, वो प्याज और आटे का रोटी बनाए हुए थे तो वही खा लिए। तो गाइस, बैकग्राउंड से आप लोग देख सकते हैं आज हम कहाँ हैं और बहुत दिन के बाद आज आप सबको ये रूम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज हम फाइनली यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ मतलब काम था इसलिए, और पिछले 2 महीना से हम यहाँ पर नहीं थे और कल रात में ही यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं ना, बैक कैमरे से आपको पूरी दिखा दें। और रूम तो इतना गंदा था कि हम क्या ही बता दें। और देख सकते हैं, आने के बाद ये मेरा स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, आप सबको बता दें कि मेरा पढ़ाई लिखाई भी उतना दिन से बंद था, क्योंकि मेरा जो पहले का फ़ोन था ना वो ख़राब हो गया था। तो मेरा जो ऐप होता है ना ऑनलाइन क्लास करने का, वो मेरा पुराना फ़ोन में था और उसी के चलते हम स्पेशल यहाँ पर आए हुए हैं। और जो क्लास अब दूसरा मोबाइल में लॉग इन करेंगे तो उसी में रहेगा ना। तो पासवर्ड मेरा कॉपी में लिखा हुआ था और इसको ना बहुत दिन से मांग रहे थे तो ये नहीं दे रहा था। और यहाँ आने के बाद मेरे साथ ये ड्रामा किया है, पूरा लास्ट वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। पता नहीं खुद में शर्म है कि नहीं, ऐसा मर्द तो किसी के यहाँ देखे नहीं, इतने जानते तो आते भी नहीं। नहीं हटाएंगे, बोलो ना, तो सच्चाई दिखाओ। बेचारा को मिल जाता है घर से खाने के लिए, दुनिया भाड़ में चल रहा है। अभी खस्सी का मीट तुरना रहेगा ना तो तुरंत आ जाएगा। और पता रहता ना कि यहाँ आने के बाद ऐसे करेगा, आते नहीं। और ये मेरा लास्ट था यहाँ, जिंदगी पूरा बाहर में बिता देंगे लेकिन इसके पास नहीं। कहा कैसे निकला है वो लगाना, खुद अंगूठा छाप बेबी में होना चाहिए साला, ऊपर से इसको फॉर्चूनर चाहिए। सुबह में बोल रहा था 1.5 लाख पैकेट में लेकर घूमते हैं, 100 रुपये खर्चा करने का हिम्मत नहीं हुआ। तो गाइस, देख सकते हैं अभी हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। अचानक से हमको ना खाने का मन किया तो अपने भर ही बना रहे, देखना एकदम कम है। और यहाँ देख सकते हैं मछली है, हम सुबह में ही आरिस से लड़ाई कर दिए थे इसके लिए। फिर गुस्से से ना हम जा रहे थे, गुस्से से नहीं ऐसे भी हम जा रहे थे लेकिन गाड़ी हमको ना मिला नहीं। तो फिर तैयार व्यार हो करके गए, गाड़ी नहीं मिला, फिर आए और इतना मेरा माथा दर्द दे रहा ना कि क्या ही बता दें। तो गाइस, हम ना पूरा रेडी हो गए थे, बैग वैग सब कुछ ले करके निकल गए तो ना हम लोगों का गाड़ी मतलब चलने ही नहीं लगा। तो फिर थोड़ा सा मेरा मन किया कि बोल दे आरिस को कि छोड़ो सुबह में चले जाएंगे, लेकिन तब तक गाड़ी ऑन हो गया। लेकिन बस स्टैंड जाने के बाद आरिस बोला था कि 3:30 बजे गाड़ी है, तो हम सोचे होगा तो चले जाएंगे। और हमारे एरिया में ना गाड़ी टाइम से चलता है, अनटाइमली नहीं मतलब, और ज़्यादा गाड़ी नहीं है। तो वहाँ गए तो गाड़ी ही नहीं मिला, फिर वहाँ पर भी आरिस से मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर आ गए, सोचे कि कल सुबह जाएंगे और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट अपना ड्यूटी पर ही जाएंगे। और अभी आया हुआ मछली और हम बना रहे सूजी का हलवा, जैसे कि आप सब देख ही लिए। तो ब्लॉग में ना पूरा एंड तक बने रहिए आज आप लोगों के साथ, मतलब ये किचन में ना बहुत दिन के बाद खाना बना रहे हैं। तो गाइस, अभी
कंटिन्यू ब्लॉग में आप सब बने रहो। और पता है पूरे 2 महीने में हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हम जा रहे थे उस टाइम ना आरिस का मुंह बंदर के जैसा हो गया था, बेचारा अकेले रहता है ना इसीलिए। तो गाई चलो मछली भी धोना है, अभी हमको इधर भी देखना है, तो फिर खाना भी जल जाएगा। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस अभी हम ना सूजी में चीनी डाल दिए हैं, चीनी चीनी डाले, उसके बाद कुछ देर ना इसको चलाएंगे और फिर इसमें पानी डाल के ना निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ना हम चावल बनाने के लिए मतलब पानी चढ़ाए हुए थे, क्योंकि हम भात का किया है, रोटी ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। और सूजी में भी चीनी डाल दिए हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ना मेरा सूजी बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा डाले थे लेकिन देखो पानी डालने के बाद कितना ज़्यादा ये मतलब कि बन गया है, और मतलब फ्राई करने टाइम पता नहीं चलता है। देख रहे हैं निकल के थोड़ा सा खाने के लिए हम अपने लिए निकाले हैं, क्योंकि बहुत मन कर रहा था सूजी खाने का। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ना कुकर में दाल चढ़ाएं, क्योंकि आज दाल चावल और मछली खाएंगे। और ये जो कुकर है ना मेरा सीटी मारने के लिए देख सकते हैं रेडी हो रहा है, और देखिएगा एक ही बार ब्लास्ट करने लगा है। तो गाइस कुकर तो सीटी मार दिया, अब चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो मछली आया हुआ था इसको अच्छे से धो के सारा मसाला डाल के और मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिए हैं, और इसमें चावल बनके भी रेडी हो चुका है। तो गाइस कुकर देख सकते कितना ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, हम डर भी गए थे एक बार,